What is direct selling? देखा जाए तो बहुत सारे लोग इन तीन टर्म्स में काफी कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। लोगों को पता ही नहीं कि इन तीनों टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स ऐसे हैं जो इससे परिचित नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, देन हम बाकी दोनों टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। डायरेक्ट सेलिंग ये खुद में ही अपने आप को डिफाइन करता है। डायरेक्ट मीन्स विदाउट एनी इंटरप्शंस एंड सेलिंग मीन्स To sell something means बेचना। अब जब हम दोनों words को मिलाते हैं तो बनता है direct selling, मतलब directly कुछ भी बेचना। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि customers को directly किस तरह से बेचना। Basically जो companies direct manufacturing करके अपने products अपने customers तक directly पहुँचाती हैं, उनको direct sellers कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई retailer, wholesaler या फिर suppliers बीच में नहीं होते। चलिए इसे थोड़ा deeply समझते हैं। आप हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज, रिबक्स, इन सब को भी डायरेक्ट सेलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपना सामान खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और खुद ही अपने आउटलेट्स पर पहुंचाते हैं। यस, यू आर 100% राइट। बस उनका मार्केटिंग मॉडल फ्रेंचाइजी बेस्ड होता है। आपको उनका सामान बेचने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उनसे एक फ्रेंचाइजी लेने की, जहां पर उनका सामान आपको खुद से दिया जाता है। जहां आपको उनका सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो मतलब रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। और उसके बाद आप वो फ्रेंचाइजी खुद पर ही रख सकते हैं, मतलब वो फ्रेंचाइजी आप किसी और को नहीं दे सकते, ये राइट सिर्फ कंपनीज का होता है। और वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का मार्केटिंग मॉडल बिल्कुल अलग होता है। वो आपको 100% रिस्क फ्री बिजनेस करने का मौका देती है और आपको फ्रेंचाइजी होल्ड करने के लिए भी कहती है। आइए अब डायरेक्ट सेलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्लॉज 1 के 6th पैराग्राफ कहता है दैट डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स, ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ services as a part of network of direct selling other than under a pyramid scheme, provided that such a sale of goods and services occurs other than through a permanent retail location to a customer, generally in their houses or at their workplaces, explaining the demonstrating the particular services and about the goods. ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना, चलिए इस क्लॉज को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लॉज कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई भी सामान रख के उसको बेचा ना जाए। आप अपने गुड्स या सर्विसेज को अपने वर्क प्लेस पे या फिर घर पे डेमोन्स्ट्रेशन या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उसको सेल करें, तो ये डायरेक्ट सेलिंग कहा जा सकता है। आइए जानते हैं कि किस तरह का मार्केटिंग मॉडल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फॉलो करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्ड करती है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, एक बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उनके पास कैपेबिलिटी है मगर कैपिटल नहीं है। सो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती हैं और उसको डायरेक्टली अपने कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। इट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन। इस बात को हम दो नजरिए से देख सकते हैं, एक कस्टमर के और एक डिस्ट्रीब्यूटर के। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। कस्टमर, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया और आप उसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो आप कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप उसे यूज कर रहे हैं और आप ये सोच भी रखते हैं कि क्यों ना मैं इसे प्रमोट करके एक और इनकम सोर्स जनरेट करूं, तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ से जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती क्या है। अब जब आपने डिसीजन ले ही लिया है, तो अब आप प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम दो पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं, एक सेलर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। आइए सबसे पहले देखते हैं इसे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिर्फ मार्केट में जाकर प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं और आपका यूजर बेस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो यू आर नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यू आर जस्ट बिकमिंग अ सेल्समैन। कस्टमर्स बिल्ड करना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। शायद आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन अगर आपको बुरी लग रही है, तो आप अपना पिछले 3 से 4 महीने का पेआउट चेक कीजिए। अगर वो बढ़ नहीं रहा है, दैट मींस यू आर नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब देखते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नजरिए से। यहाँ पर अगर आप डेली मार्केट में जा रहे हैं और लोगों को प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के साथ साथ आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो आप एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करवा रहे हैं। दैट मींस आप जैसे अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट के अंदर खड़े कर रहे हैं।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सही पाथ पर हैं। एक रियल नेटवर्क मार्केटर का काम यही होता है कि जब आप खुद प्रोडक्ट्स यूज करें तो आप दूसरों को भी वो प्रोडक्ट्स प्रमोट करें कि वो भी उसे यूज करें, और उसके साथ साथ आप जिस तरीके से खुद इनकम जनरेट कर रहे हैं उनसे भी करवाएं। अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेलर नहीं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन योर टीम इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर आवर प्रोफेशन। MLM वर्ड सिर्फ स्कैम्स और मनी रोटेशन स्कीम्स और कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। तो प्राउडली कहिए दैट यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, कभी MLM वर्ड का यूज मत कीजिए। आई होप हमारे इस फर्स्ट एपिसोड से आपको इन तीन टर्म्स के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दैट व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज मल्टी लेवल।